एमएच कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको द्विघात समीकरण को हल करने की शॉर्ट ट्रिक, गजब की ट्रिक है बेटा। आप ऑप्शन देखते हैं आंसर हल करने वाले हैं। डेयर स्टूडेंट, आप ऑप्शन देखते हैं आंसर हल करने वाले हैं। ये द्विघात समीकरण, द्वि मतलब दो, घात होती है पावर। जिस समीकरण की सबसे बड़ी पावर दो होती है उसे कहते हैं द्विघात समीकरण, और उसे बहुपद भी बोला जाता है। वैसे नॉर्मली आप गुणनखंड विधि से अगर इसे हल करेंगे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। गजब की ट्रिक समझाने वाले हैं आज हम आपको। अगर वैसे नॉर्मली आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो आपका जो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये होता है आपका द्विघात समीकरण। जो x की स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वह a, और b के साथ x के साथ होती है b, और बाकी कांस्टेंट वैल्यू c बोली जाती है, ठीक है। अब हम गुणनखंड विधि से हल करने के लिए इसको डियर स्टूडेंट a की गुणा c से करते हैं। यहां पर a वन है, जहां कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ना मिले वहां वन है, और वन की गुणा जब 10 से करते हैं तो क्या आता, 10। और 10 के जब हम टुकड़े करेंगे, 2 पंजा 10 और 5 एकम 5, और 2 और 5 या तो जमा करने पर 3 आना चाहिए या फिर घटा करने पर 3 आना चाहिए, लेकिन घटा करने पर 3 आ रहा, क्या रहा, घटा करने पर 3। तो हम क्या करते हैं, यहां पर x की स्क्वायर तो हम लिखते हैं यहां पर घटा करने पर, किस पे घटा करने पर, 5 माइनस 2 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3 की जगह ओनली हमने 5 माइनस में 2 लिखा और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। x की स्क्वायर माइनस के 5x माइनस, और माइनस की जब अंदर मल्टीपल करते हैं तो प्लस के 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, और x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है डियर स्टूडेंट, यहां पर x बच जाता है और यहां पर 5 बच जाता है, और आपने जितना यहां लिखा उतना ही आपको यहां लिखना होगा, ठीक है। अब हम इसमें किसकी मल्टीपल करें जो e बन जावे, किसकी मल्टीपल, प्लस के 2 की मल्टीपल इज इक्वल टू 0। फिर हम x माइनस में 5, x माइनस में 5 यहां से कॉमन लेते हैं, यहां क्या बचता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार हम x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, और एक बार x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, और अब क्या आता है डियर स्टूडेंट, x बराबर 5 और x बराबर माइनस के 2, ठीक है। अच्छा, इसकी अब हम ये नॉर्मली हल करने का आपका तरीका, नॉर्मली x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 2 आंसर है, लेकिन आप हमारी शॉर्ट ट्रिक कैसे फॉलो करेंगे, शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे उसको समझाने वाला हूं आज। ये नॉर्मली आप ऐसे हल करेंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आपको एक ही गुणा सी से करनी है, और सी के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, चाहे आप जमा करें चाहे आप घटा करें, ले आना चाहिए माइनस के 3। और हमने 10 के जो फैक्टर करे थे वे कितने आए थे, 2 5, कितने आए थे, 2 5। अब हमने माइनस के 5 और प्लस के 2 की ये फैक्टर है, अगर इनकी मल्टीपल करें तो 10 आएगा, आएगा नहीं आएगा, और अगर हम इनको ऐड करें तो माइनस का 3 आता है, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक ये है बेटा डियर स्टूडेंट, आप इनके साइन चेंज कर दीजिए और यही आपका आंसर है 5x और माइनस के 2, साइन चेंज कर दीजिए आंसर। कहां तो आपको इतना हल करना पड़ रहा था तब आंसर आ रहा, और कहां आपको सेकंड में आंसर, एक सेकंड में आंसर, राइट, आपका ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने कह दिया सर ये तो द्विघात समीकरण आपका नॉर्मली समीकरण है,
समीकरण। लेकिन अगर आपका समीकरण सेकंड क्वेश्चन है जैसा, इसमें एक फालतू चीज आ गई ए, यहां वन था यहां पर टू आ गया, अब क्या करेंगे? बिल्कुल वेरी गुड। अब आपको सबसे पहले ए की गुणा किससे करनी है? सी से। और सी से जब आप ए की गुणा करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 12। और 12 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे, 3 चौका 12। अब आपको कहीं ना कहीं 3 और 4 को जमा करने पर आ रहा है या घटा करने पर? घटा करने पर, माइनस के 4 और प्लस के 3। वैसे आप नॉर्मली हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि से, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। माइनस के आपके जो 6 के जो फैक्टर आ रहे हैं, माइनस के 4 और प्लस के 3 ये आ रहे हैं, क्योंकि अब आप इनके योग निकालोगे तब माइनस का मान मिलेगा ना, मिल रहा नहीं मिल रहा? ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनके बटे में ए करना है, ए ये 2 और 2, यहां काट के नहीं डियर स्टूडेंट, आपका माइनस का 2 बचता है, यहां ये बचेगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ओनली आपका साइन चेंज करने, प्लस का ना माइनस का कर दीजिए, सॉरी माइनस का प्लस का कर दीजिए और प्लस का माइनस का कर दिया, आपका आंसर है ना गजब ट्रिक। क्या ट्रिक है? सेकेंड ऑफ आंसर। अगर नॉर्मली आप गुणनखंड विधि से हल करो तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे, इसमें क्या है, रूट भी है। अब आप इसे देखते घबरा जाएंगे या क्या समीकरण है, अब रूट में कैसे फैक्टर करें, क्या करें, बड़ी परेशानी है। लेकिन हम इसकी भी आपको शॉर्ट ट्रिक समझाने वाले। देखिए डियर स्टूडेंट, आप इसकी मल्टीपल कीजिए, और जब आप इसकी मल्टीपल करेंगे, 5√2 की मल्टीपल √2 से करेंगे तो क्या आता है, 5√2। ये तो आप ऐसे समझ जाइए, √2 √2 आधी पावर इसकी है और हाफ इंच की है, और 2 की पावर 1 हो जाएगी। या आप ऐसे कर लीजिए, मल्टीपल कर दीजिए √4, और जब 4 को आप बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और 2 की जब मल्टीपल करेंगे तो 10। अब आपको 10 की 10 के फैक्टर करने, और 10 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, 2 और 5, और 5 क्या 7, 7 बी कैसा आएगा, 7 ये बी है ना, ये ए है ना, ये बी है ना, और ये सी है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रूट देखकर घबराना नहीं है बेटा। डियर स्टूडेंट, आप इसको अब क्या करने पाएगा, प्लस करने पर, दोनों प्लस के होने चाहिए ना, प्लस के 2 प्लस के 5, बिल्कुल। अब क्या करना है, ओनली आपको ऐसे डिवाइड करना, क्या करना, ओनली ऐसे कर दीजिए, राइट। अब क्या करना है, यहां पर 2 है, यहां पर √2 है, यहां पर इसकी फुल पावर है, यहां पर आधी पावर है, और जब हम इसको काटेंगे, आप 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 √2 कर लिख सकते हैं ना, एक खत्म, क्या बचता है, √2, और ये इतना ही रहेगा। तो आपके जो √2 और 5/√2 आपके ये आते हैं, लेकिन मैंने कहा है लास्ट में आप इनको निकाल कर साइन बदल दीजिए, साइन आप साइन बदल देते हैं, ये आंसर आपका, क्या गजब की ट्रिक है, सेकंड हो गया आंसर है ना। तो रूट से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप ये ट्रिक हर क्वेश्चन में फॉलो होने वाली है। अब आप कहेंगे सर आपने इस तो कर दिया, लेकिन इसमें क्या करें, अपॉन में 18, इसे भी इसी ट्रिक से हल करने वाले हैं। वैसे नॉर्मली आप इनको क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बोला है ए, ये बी, बी इसके साथ 1 है और ये सी है, और आपको ए की मल्टीपल किससे करनी है, सी से। और हम जब 2 की मल्टीपल 1/8 से करते हैं तो क्या आता है डियर स्टूडेंट, 1/4। अब 1/4 है, ऐसे हम कैसे टुकड़े करें कि यहां पर 1 आ जाए, बी की वैल्यू 1 है ना, जहां पर कोई भी कुछ भी चीज मल्टीपल ना हो वहां 1 होगा, जहां कुछ भी मल्टीपल ना हो वहां 1 रहेगा। अब 1/4 में से 1 कैसे लेकर, हां बिल्कुल लेकर आते हैं ना, 1/2 1/2, और अगर इनकी मल्टीपल करते हैं
तो 1/4 आता है, क्या करने पर, मल्टीपल करने पर, अगर इनको ऐड करते हैं तो 1 आता है, आता नहीं, हाफ और हाफ कितना होगा, 1 होगा, बिल्कुल, टुकड़े हुए ना हुए, बिल्कुल हो गए। अब स्टूडेंट, डेयर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, इसके हमने 1/4 ऐड के, सॉरी, इनकी मल्टीपल करके जब 1/4 आया और इसके हमने टुकड़े कर लिए 1/2, 1/2 क्या कर ले, 1/2, और दोनों कैसे हैं, कैसे करने पर आते हैं, नेगेटिव, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, जब योग निकालते हैं तो क्या आता है, माइनस का वन चाहिए, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, ये तो कर लिया हमने, इसके टुकड़े तो कर लिए, लेकिन अब आपको ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड, और आप जब ऐसे डिवाइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट 1/4 और माइनस के 1/4, लास्ट में आपको क्या करना है, इसके साइन बदल देने हैं, और जब आप इनके साइन बदलोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के, यही आपका आंसर है ना, गजब की ट्रिक, सेकंड में क्वेश्चन हल हो रहा है। अच्छा जी, 4 क्वेश्चन आपने सोल्व करे, लेकिन ये क्वेश्चन भी है, अब इसको कैसे करोगे, इसमें रूट है, अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, बिल्कुल देखो जी, अब हम इसको हल करने के लिए, चलो मैं डियर स्टूडेंट यहां जगह नहीं है, यहां लिख लेता हूं इसको, फॉर एक्स की स्क्वायर प्लस फॉर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला आपको क्या करना है, ये a है, ये b है और ये c है, a की मल्टीपल c से, और क्या आता है डियर स्टूडेंट, क्या आता है 12, और 12 के जब टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा, अब 12 के टुकड़े ऐसा कीजिए, चाहे आप जमा करें चाहे घटा करें, ये आना चाहिए, और कैसे आएगा, 2√3, और 2√3 करिए ना, क्या करते हैं, 2√3 और 2√3 ये कर लिया, अगर इन्हें ऐड करें तो 4√3 आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है, और अगर इनकी मल्टीपल करें तो 12 आएगा, कैसा आएगा डियर स्टूडेंट, 2 दुना 4 और √3 √3 √9, और जब हम बाहर निकालते हैं 4 3 और 12 आया नहीं आया, तो आपको इनका ऐसा फैक्टर करना है, चाहे आप जमा करें चाहे घटा करें, आना चाहिए ये। अब हमारे इसके 12 के दो फैक्टर हो गए, 12 के दो फैक्टर हुए डियर स्टूडेंट, 12 के एक हो गया 2√3 और एक हो गया 2√3। अच्छा जी, दोनों प्लस के आने पर आ रहा ना, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे डिवाइड कर, और ऐसे डिवाइड करने पर आप काट दीजिए, तो आपका क्या आता है, √3/2 और √3/2, लेकिन मैंने कहा है इनके साइन बदल देने, और साइन बदल लीजिए, यही आपका आंसर है ना, गजब की ट्रिक, बिल्कुल। अगर नॉर्मली आप वैसे क्वेश्चन हल करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और हमें सिर्फ टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो आपको सबसे पहले काम है डियर स्टूडेंट, आपको a की c से गुणा, फर्स्ट नियम, a की c से गुणा, और जो आए उसका आपको फैक्टर करना, क्या करना है, फैक्टर, और ऐसे फैक्टर कीजिए जो आप जमा करें चाहे घटा करें, b आना चाहिए, कैसे, चाहे आप जमा करें उनको चाहे घटा करें, उनके ऐसे फैक्टर होना चाहिए जो बी आ जाए, और उस फैक्टर के दो फैक्टर हो जाते हैं, उनको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, जैसे हमने 12 के फैक्टर दो फैक्टर करे थे, ये उनको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, ए है आपका 4 से डिवाइड कर दिया, करा ना, और फिर काट के नहीं हमारा ये बचा, और ये हमारा था प्लस का, लेकिन लास्ट में आपको इनके साइन बदलने, हमारे प्लस के थे माइनस माइनस के कर दिए, ये आपका आंसर, सीधा आंसर आने वाला, सेकंड में हम क्वेश्चन हल करने वाले, हमारी ट्रिक बेस्ट ट्रिक है, आप द्विघात समीकरण को बिल्कुल
एक सेकंड में हल करने वाले, और तुरंत ऑप्शन लगाइए, आपका बहुत समय बचेगा। तो अगर हमारी ये शॉर्ट ट्रिक आपके समझ में आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आप ये इस बेस्ट ट्रिक का आपका दोस्त भी फायदा उठा सके। और बाकी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डियर स्टूडेंट, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।